हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम अटूर का पार्क आए हैं, और पार्क आने के बाद देख सकते हैं इस पार्क का नज़ारा कैसा है। तो इस वीडियो में आपको फुल आपको दिखाएंगे कि अटूर का पार्क का कितना हरियाली, कितना अच्छा जगह है, और इसी चीज़ को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में हम अटूर पार्क का पूरा व्लॉग वीडियो दिखाएंगे। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि हम अटूर पार्क के पास आ चुके हैं। यहाँ जो अटूर पार्क है बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पे हम लोग हर रोज आते हैं आफ्टर 5 o'clock, लेकिन आज हम लोग 5 बजे से पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि आज हम लोग वीडियो बनाना था। चलिए हम देखते हैं कि पार्क में खास है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और बहुत ही अच्छा जॉगिंग करने का फैसिलिटी है, एक्सरसाइज करने का फैसिलिटी है। वो सारा चीज़ अभी हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग अभी इंटर किए हैं, इंटर करने के बाद जब हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक इस पार्क में एक नदी टाइप से पानी जमा हुआ रहता है। इस यहाँ पे आने के बाद ही जब हम लोग इस नज़ारा को देखते हैं, तो नज़ारे को देखते ही हमारा मन खुश शांति हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा लुकिंग शो दिखता है। अब हम यहाँ के बाद हम लोग आगे जाएंगे पार्क में। इस पार्क में जाने के बाद देख सकते हैं इधर आप बहुत सारा सा जंगल सा दिखता है, पेड़ पौधा है, और ये पार्क है। यहाँ पे हम लोग हर रोज वॉकिंग करते हैं एंड हर रोज हम लोग यहाँ पे आफ्टर 5 o'clock आते हैं, है ना। आने के बाद यहाँ पे हम लोग करते क्या चाहिए, वॉकिंग करते, लेकिन आज हम लोग 5 बजे से पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि आज हमारा वीडियो शूट करना था। तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर इंटर होने के बाद कितना हरियाली टाइप से दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। और इधर आप देखिए पूरा ये जो है हमारा एक राउंड टाइप से बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए, और इस वॉकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर रोज सुबह और शाम आप टहलने का एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारा लोग आते हैं और यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना शांति का माहौल है और कितना हरा भरा पार्क दिख रहा है। हेलो, देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे हमारे बगल में नदी है, और यहाँ से नदी का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। और आप देख सकते हैं कि इससे दूर दूर तक इस नदी में बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी आते हैं, और जब वो पक्षी आते हैं तो आप सामने से जब देखोगे तो उसका नज़ारा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके वो नज़ारा को देख रहे हैं, कुछ पक्षी दिख रहे हैं, वो पक्षी को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आएगा तो आ जा। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत ही छोटा छोटा पेड़ लगाया जाता है। इन पेड़ों को दूसरे जगह ले जाके लगाया जाता है, तो यहाँ पे पेड़ का खेती भी किया जाता है। सिनेमेटिक में मतलब खास नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं अभी अब यहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक अगर आप किसी भी प्रकार को अभी आते हैं तो इधर देख सकते हैं कि इसका अगल बगल में है जो बैठने का फैसिलिटी बनाया हुआ है। उधर देख सकते हैं अभी मोर आया हुआ है। इधर कम 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 कम
हेलो फ्रेंड, तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद देख सकते हैं कि इधर कितना सारा पेड़ लगा हुआ है। ये रास्ता का बगल में देखने में बहुत ही ज़्यादा हरियाली लग रहा है और बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे और भी दिखाएंगे इस पार्क का पूरा लोकेशन, पूरा हरियाली दिखाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। और आप भी इस हरियाली भरे पार्क को देख के आनंद लीजिए। यहाँ पे अभी हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और पार्क के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पार्क का इस साइड में आप देखिए कि कितना सारा जो पेड़ उड़ है, और ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारा हरियाली टाइप से है। यहाँ पे आपको अमरूद का पेड़ दिख सकता है और भी बहुत सारा पेड़ दिखेगा। और बगल में आप देखिए कि पेड़ लगने के बाद ये यहाँ का जो पूरा हरियाली का मौसम है, और हरियाली का मौसम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। और इस पार्क के अंदर में आने के बाद यहाँ एक ग्राउंड टाइप से एक एरिया है। इस एरिया में है कि बहुत ही अच्छा आपको शांति का फीलिंग होगा। और यहाँ पे आने के बाद है कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा फीलिंग होता है। बहुत सारे लोग आते हैं इधर घूमने के लिए इस पार्क में, तो इस जगह पे आते हैं, घूमते हैं और फोटो खिंचाते हैं। तो यदि आप भी इधर आते हैं तो इस पार्क में आएंगे तो इधर आके आप फोटो खिंचाइए। यहाँ का जो नज़ारा है, लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की कितना अच्छा शांत माहौल है, कितना शुद्ध हवा आती है। और अगल बगल में जब हरियाली का इस तरह नज़ारा देखिएगा तो आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा। और किसी भी प्रकार को आते हैं तो थोड़ा दुख ही रहते, तो इधर आने के बाद थोड़ा आप हैप्पी खुशी फीलिंग करोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे, मैं हूँ और मेरे साथ प्रियांशु और यथाकुला पार्गो साथ भी आया है। अभी हम लोग इधर घूम रहे हैं और घूमने के बाद कुछ अभी फोटो खिंचाएंगे इस पार्क का, थोड़ा सा अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। फ्रेंड, तो अभी हम देख चुके हैं, इधर आए हैं जिस इस पार्क में एक खेलने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे आते हैं अभी, तो कुछ देर बाद इधर आएंगे और बैडमिंटन खेलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बैडमिंटन का यहाँ पे अच्छा सा ग्राउंड बना हुआ है, ये नेट लगा हुआ है। इसके बगल में और एक बैडमिंटन का ये सेम खेलने की व्यवस्था है। अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा मतलब खेलने का एक व्यवस्था है। पीछे आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा नज़ारा है। तो ये हुआ यहाँ का बैडमिंटन खेलने का, एक अच्छा सा ग्राउंड टाइप से था। और अभी हम उधर जाएंगे थोड़ा सा आगे और उधर दिखाएंगे कि बच्चे लोग किस प्रकार से इधर खेलते हैं, और ये साइड में एक्सरसाइज करने की फैसिलिटी है, वो सब सारे चीज़ अभी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अंदर क्या तो आप देख सकते हैं अभी हम अटूर पार्क का थोड़ा सा अंदर में आए हैं। अंदर में आने के बाद देख सकते हैं इधर का कितना अच्छा लोकेशन है। ये हमारा पीछे का लोकेशन है, इधर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो उधर आपको एक बहुत बड़ा सा नदी सा टाइप दिखेगा। वहाँ पे बहुत मात्रा में पानी है, उस पानी में बहुत सारा जो मछली उछली रहती है और बहुत सारा जो छोटे छोटे जो पक्षी है वो सब आते हैं। और इधर आपको जब कभी कभी आओगे तो मोर भी दिखने को मिल जाएगा। जो मोर दिखने सामने से देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ का हरियाली कितना अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और देखने के बाद इधर जब आप आते हैं शाम के टाइम में तो घूमने के बाद आपका जो मन है पूरा तृप्त शांति टाइप से लगेगा। और आप देखिए अभी इधर अगल बगल का कितना हरियाली टाइप से है। तो अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए और यहाँ का जब शांत थोड़ा मतलब बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो अभी हम लोग इधर थोड़ा सा बैठेंगे, घूमेंगे और देखेंगे कि और भी इधर कितना अच्छा अच्छा नज़ारा है। इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब घने जंगल टाइप से है, और इधर से मतलब ये आने के बाद पूरा शुद्ध हवा का फीलिंग होता है,
शांति का महसूस होता है। अभी आप इधर भी देख सकते हैं कि कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं बड़े बड़े, इधर देख सकते हैं कि एक अमृत का पेड़ है, और भी ये देखिए करंज का पेड़ है, और इधर भी आप देख सकते हैं पूरा जंगल घना टाइप से, जंगल टाइप से दिख रहा है। तो आप अगर आप भी इधर अटूर के आसपास में रहते हैं तो आइए इस पार्क में थोड़ा घूमिए, फोटो वोटो खिंचाइए थोड़ा। इस पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप भी आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा शांति का महसूस कीजिएगा। और भी इससे आगे हम लोग जाएंगे तो उधर और भी बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे कि जिम का फैसिलिटी है, खेलने का जगह है, और इस पार्क में पूरा आप राउंड लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अभी थोड़ा देर बाद, और अभी इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, तो अभी अब जैसा कि अभी हम लोग पूरा पार्क अब घूम चुके हैं, तो हमारे साथ था पार्दू और प्रियांशु। तो अब हम लोग आ चुके हैं पूरा मतलब आउटिंग गेट के पास, और आउटिंग गेट के बाद अब हम लोग इस पार्क से निकलने जा रहे हैं। तो अब इस पार्क में घूम के बहुत ही मजा लगा, प्रियांशु से जानते हैं कि पार्क घूम के आपको कैसा लगा। ये पार्क बहुत बड़ा है, अगर आपको टाइम मिलता है यहाँ घूमने के लिए आइए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी, यहाँ पे एफएम भी लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि सुबह सुबह घूमने के लिए अगर आपके पास टाइम है, घूमना चाहते हैं तो आओ यहाँ पे, अच्छा है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस पार्क में अभी हम लोग घूम लिया। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।